पंजाब हुकूमत का 27 मॉडल शाहराहों पर 100% सहूलियात की फराहमी का फैसला। जेल रोड, फिरोजपुर रोड, माल रोड, अलामा इकबाल रोड, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग और किनाल रोड पर स्ट्रीट लाइट्स की तंजीम, तजावुजात का खात्मा, लटकती तारों का सफाया, खस्ता हाल फुटपाथों की मरम्मत और स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टॉप्स की बहाली का टास्क शहरी इदारों को सौंप दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मगरबी हवा और बारिशों की नवीद सुना दी। बारिश के बाद जहरीले धुएं के छट जाने की उम्मीद जाग उठी। कमिश्नर की स्मॉग के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। उधर स्मॉग के पेश नजर स्कूल्स में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। डेंगू से डरना नहीं लड़ना है। लाहौर में 24 घंटों में 6 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। पंजाब भर में 2,61,000 से जायद इंडोर मकामात की चेकिंग की गई। 600 से जायद मकामात से लावा तलब किया गया जबकि 5 कमर्शियल मकामात से लावा बरामद होने पर मुकदमात भी दर्ज किए गए। औसपाक मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। इंतजामिया की जानिब से दादरसी में मायूसी पर मुलाजमीन का एहतजाज। तनख्वाहें मिलने तक काम से भी जवाब, एहतजाज के सबब फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी रही। हुकाम अपना काम कर रहे हो तो अदालतों को मदाखलत की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा कहते हैं आला हुकाम की बार बार पेशी मेरे नजदीक मुनासिब रही। बोले मुकदमा के जल्द फैसलों के लिए मॉडल कोर्ट्स कायम की। इंसाफ की तेज फरामी में पुलिस तफ्तीश का बुनियादी किरदार है। महकमा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियां दी। आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज कहते हैं महकमा पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। बेहतर कारकर्दगी वाले अफसरान और एहलकार हमारे माथे का झूमर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिरे सदारत हाई पावर बोर्ड का इजलास। इंफॉर्मेशन ग्रुप की अफसरों कायम मकाम सेक्रेटरी दलाल साहिदा परवीन की तरक्की। मोहम्मद इकराम खान और फरूख अहमद ग्रेड 22 में तरक्की पाने वालों में शामिल। मजमूई तौर पर 23 अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की दी गई। सूबों में भी अहम वजारतों में बड़ी उखाड़ पछाड़ का इम्कान। पंजाब यूनिवर्सिटी का आम बचाना है तो मादे इल्मी में सियासी रहनुमाओं के दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। जामिया पंजाब हंगामा आरई से मुतालिक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में कौम परस्त रहनुमाओं के तलबा को मुश्तैल करने का इंकशाफ। बेअमनी और अनारकी की वजह सियासतदान करार दे दिए। इकदाम ना उठाए गए तो आइंदा भी ऐसे वाकयात वक्ू पजीर हो सकते हैं। तंबीही रिपोर्ट वजीर आला को भेज दी गई। चाहते हैं कि अस्पतालों में हड़ताल ना हो। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के रहनुमा कहते हैं हुकूमत मुतालबात पर तवज्जो देने की बजाय ब्लैकमेल कर रही है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मामले को हाई कोर्ट में ले जाने का ऐलान। हाय टमाटर कुछ तो रहम करो। सरकारी निकनामे में 190 रुपए, रिटेल मार्केट में 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज 100 से 120, लहसुन 350, अदरक 400 रुपए किलो पर, शहरी हलकान हो गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की खामोशी की मजम्मत करने लगे। लाहौर जिमखाना में शराब की फरोख्त और शराब नोशी पर पाबंदी। महकमा एक्साइज के नोटिस पर सेक्टर जिमखाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्लब में बने रेस्टोरेंट, कैफे, क्लब्स में शराब पर पाबंदी आयद। महकमा खुसूसी तालीम आउटरीच प्रोग्राम का पेट्रोल खर्च बर्दाश्त ना कर सका। खुसूसी बच्चों को लाने ले जाने वाली 12 गाड़ियां खड़ी नाकारा हो गई। अदम तो अजीही से खुसूसी तालीमी इदारों में स्पेशल बच्चों की तादाद कम हो गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की अंदरून दिल्ली गेट बड़ी कार्रवाई। मिलावटी और खुली चाय की पत्ती की फरोख्त पर हैदर टी स्टोर सील। 1190 किलो मिलावटी पत्ती बरामद कर ली गई। बादामी बाग लोहे वाली प्ली के करीब शादी की तकरीब हादसे की नजर। खस्ता हाल घर की बोसीदा छत ज्यादा, मेहमानों के वजन से जमीन बोस हो गई। 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। गुलबर्ग की रिहायशी हिरा का कातिल उसका बहनोई ही निकला। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 को मौसूल। पुलिस ने मोबाइल फोन डेटा की मदद से 2 करीबी रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया। मुश्तबा अफसाद ने चंद रोज कबल मकतूला से तवील गुफ्तगू और पैगामात का तबादला किया। 2 रोज कबल कत्ल होने वाली 24 साल लड़की की रवा हफ्ते शादी तय थी।
एंटी करप्शन में हाई प्रोफाइल इंक्वायरियां सर्द खाने की नजर, मेट्रो बस ट्रैफिक की खूबसूरती के लिए पौधों की इंक्वायरी फाइलों की नजर हो गई। दो माह गुजर गए एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। मंसूबे से मुतल्लिका पीएचए के तमाम डायरेक्टर्स को भी तलब किया गया था। खुसूसी अदालत ने 19 नवंबर को मौकिफ सुने बगैर गद्दारी केस का फैसला महफूज किया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अदालती फैसला महफूज करने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। बीमारी की वजह से अदालत में अपना मौकिफ पेश नहीं कर सका। दरख्वास्त गुजार की खुसूसी अदालत का फैसला महफूज करने का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का लंदन में इलाज जारी। मियाँ नवाज शरीफ का यूनिवर्सिटी कॉलेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना। मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं डॉक्टर लॉरेंस ने दिल का चेकअप किया। मियाँ साहब का पीईटी स्कैन आइंदा हफ्ते होगा। पहले कह दिया था ना वजीर आजम का इस्तीफा आएगा ना असेंबली तहलील होंगी। स्पीकर पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत और इत्तेहादी जमातें एक पेज पर हैं। मखलूक खुदा को माफ करना सीखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यही है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मसीही बिरादरी की खिदमत नाकाबले फरामोशे। हुकूमत ने अकलियतों को साथ लेकर चलने का तहैया किया है। अकलियती बरादरी में तालीम के फरोग के हवाले से भरपूर इकदाम उठाएंगे। ऐवान इकबाल में पास्टर्स एंड चर्च लीडर्स कॉन्फ्रेंस से गवर्नर पंजाब का खिताब। कहा यूनिवर्सिटीज को अकलियती तलबा के लिए मुख्तस सीटें पुर करने की खुसूसी। ने फॉरन फंडिंग केस पर सवाल उठा दिए। वुजरा का इलेक्शन कमीशन से तमाम जमातों की फंडिंग की तहकीकात का मुतालबा। उधर विफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं अमरीका में फॉरन लॉ के मुताबिक तमाम फंडिंग क्लियर है, बाहर से पैसे लाना कोई बुरी बात नहीं है। लाहौर जस्टिस में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की जेरे सदारत इजलास। मुलजमान को सजाएं देने के हवाले से इस्तेहाद पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कंप्लेंट सेल में शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा थानों में मुकदमा दर्ज न होने पर सायरीन अदालत आते हैं जिससे अदालतों पर बोझ पड़ता है। चाइल्ड जस्टिस और इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की तरबती वर्कशॉप खत्म हो गई। इख्तितामी तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान की खसूसी शिरकत। कहते हैं दहशतगर्दी एक हसास इशू है, दहशतगर्दी मुकदमात में सजाओं का तनासुब बहुत अहमियत का हामिल है। बोले मुजरिमों को सजाओं का दारो मदार बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन पर होता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की आईजी ऑफिस आमद शिकायत सेल समेत मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। चीफ जस्टिस शोधा के लवाहिकीन से मिले और अफसरान से भी खिताब किया। पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम खान की कॉफली के रहनुमा कामिल अलिया के घर आमद। अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताजियत और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। दरोखा वाले इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के वफद की लाहौर चैंबर आमद। वफद के सदर इरफान इकबाल शेख नायब सदर से मुलाकात। दरोखा वाला की सनतों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सूरत हाल पर सदर लाहौर चैंबर का इजहार तशवीश। पैदावारी लागत में इजाफे के बायस सनतों के बंद होने पर तशवीश का इजहार। गैर मामूली मोटापे से निजात के लिए डॉक्टर अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन। 300 किलो वजनी 39 साल तारीख की हाई रिस्क ऑपरेशन के बाद चहल कदमी। मोहम्मद तारिक ऑपरेशन की कामयाबी पर खुशी से निहाल। एक साल में 80 किलो वजन होने पर शादी का ऐलान। सर्जन मास कहते हैं मोटापे में पाकिस्तान पहले 34वें नंबर पर था, अब 8वीं पोजीशन हो गई है। बीमारियों पर काबू पाने के लिए मोटापे पर काबू पाना जरूरी है। रहीम स्टोर सार्फीन के लिए उम्रा टिकट की तकसीम जारी। 25वें रोज साबदा टाउन ब्रांच में 3 खुश नसीबों के लिए उम्रा पैकेज का ऐलान। सवालात के दुरुस्त जवाब पर सार्फीन में कीमती इनामात तकसीम किए गए। अलहमरा आर्ट गैलरी में नौजवान मुसव्विर आयशा शाहनवाज के फन पारों की इफ्तिताही तकरीर। वफाकी वजीर शफकत महमूद और सूबाई वजीर असलम इकबाल की खुसूसी शिरकत। आयशा शाहनवाज की पेंटिंग में रंगों का खूबसूरत इम्तजाज, इंसानी और रूहानी मखलूक को पेंटिंग में उतार गया। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की साहबजादी की शादी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा, नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान, जस्टिस मामून रशीद शेख, जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, जस्टिस रिटायर्ड शेख असमत सईद,
साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर कैसर नजीर भट्ट समेत दीगर जजेस और वकला की शिरकत। लीगी एमपीए सुहेल शौकत भट्ट के भाई का वलीमा, तकरीब में सरदार अयाज सादिक, परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज, राणा मुबशर इकबाल, गजाली सलीम भट्ट, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, राव शाहबुद्दीन, तलहा बरकी, वाइस चेयरमैन कंट्रोलमेंट बोर्ड शेख शाहिद समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सहाफी उस्मान यूसुफ के साहबजादे का वलीमा, तकरीब सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यासिन राशिद, सीनियर सहाफी हुसैन नकी, अजीम नजीर, मोइन अज़हर, अयाज मीर, अरशद अंसारी, अली अकबर, जी एम सिकंदर, मलिक लियाकत समेत सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। इटली का मारूफ शेफ कोमेल भी वाजवान के खानों का मुअत्तर है। सिटी पॉइंट से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शेफ कोमेल का कहना था कि कराची और लाहौर के 10 बड़े रेस्टोरेंट्स का खाना खाया, वाजवान के खाने अपने जायके में किसी के सानी नहीं। बोले पाकिस्तान आने से कबल अंदाजा नहीं था खाने इतने मजेदार होंगे। फर्नीचर काउंसिल के जरिए तमाम 3/11 इंटीरियर पाकिस्तान एक्सपो का दूसरा रोज, एक्सपो में 50,000 फर्नीचर बनाने वाली कंपनियों ने स्टॉल लगाए। एक्सपो के दूसरे रोज गवर्नर चौधरी सरवर का खसूसी दौरा, चौधरी सरवर कहते हैं हुकूमत ने तजारती खसारे को कम किया, अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे गार्डन के 10 साल मुकम्मल, जीटी रोड पर 10 साल कामयाबी की खुशी में फेस्टिवल करेगा, खाने पीने के स्टॉल्स, म्यूजिक का तड़का, फैमिलीज की कसीर तादाद में शिरकत। प्रीमियर सुपर लीग के तीसरे एडिशन के मैचेस जारी, यूसीएस की कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स, पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त, नेक्सोल ने एबीएल को 3 विकेटों से शिकस्त दी, डेस्कॉन ने एबिक्स को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। और बीकन हाउस स्कूल गार्डन टाउन कैंपस में म्यूजिक सोसाइटी की जानिब से कवाली नाइट का एहतमाम, शहजाद अली खान, मियां मेरी कवाल में साथियों के हमरा कवाली पेश की, तलबा सूफियाना कलाम से खूब महसूस हुए।